क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त अभिषेक। गाइस अब आज दिखाता हूँ आपको अपना टूल सेटअप कैसे हुआ है। भाई मैं अकेला सेटअप कर नहीं पाता और ना मेरे को इतना ज्ञान है इन चीज़ों का, तो भाई अनुराग ने आके हेल्प करी, सेटअप पूरा सेट करवाया। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना सेटअप के कैसा है, और फिर बीच में दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या सामान है, क्या है और क्या क्या मैंने खरीदा है। तो चलो अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़े बहुत क्लिपें दिखाता हूँ इसकी अच्छी अच्छी कि कैसा बनाया मैंने सेटअप। उसके बाद आपको सामान दिखाता हूँ अंदर क्या है वो मैं नहीं बताऊँगा, अनुराग बताएगा बैठा हुआ है। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आपने अब देख लिया पूरा सेटअप कैसे है, मतलब क्या क्या लिया हुआ है मैंने, ख़रीदा हुआ है। तो भाई अब इतना तो यार मेरे को पता नहीं कि इसमें क्या क्या सामान डाला हुआ है, इसके बारे में बताता हूँ। मतलब मैं क्या बताता हूँ, मेरे को इतना कुछ ज्ञान तो है नहीं, आपको ये बताएगा ये मैं? हाँ यही बताएगा, तू नहीं तो दिलवाया है, चलो फिर बताते हैं। और भाई तो अभी भैया बताओ क्या है, मैं सवाल बताओ ये क्या है? ये कीबोर्ड है जो ऐसी ऐसी आवाज करता है, ये माउस है बस। अरे अच्छे से बताओ ये यार कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। ये भाई ये कीबोर्ड देख रहे हो तुम, इतना सा देख रहे हो बस, इतना सा कीबोर्ड है भाई ये, इतना सा। और ये पता कितने का होगा कीबोर्ड, ये तुम बताओ कमेंट में, कमेंट में बताना कितने का होगा। तुमको लग रहा होगा भाई आधा है तो प्राइस भी आधा हो गया होगा इसका, लेकिन आधे की जगह डबल हो रखा है इसका। ये भाई ये गेम डिया सा कीबोर्ड है, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन भाई बहुत सेक्सी है। इसकी आवाज सुनोगे ना तुम, देखो पास लेकर आए, आवाज सुन लो, आवाज एक नंबर है। और ये माउस भाई वाइट, लोंडे को वाइट पसंद था भाई, मेरे को ये सेटअप कर रहा था वाइट ब्लैक, मतलब ज्यादातर वाइट रख रहा था, मेरे को ब्लैक थोड़ा कम रख रहा था, तो इसलिए मैंने वाइट वाइट चीजें ली है, ज्यादातर ब्लैक कम चीज ली है। ये माउस लिया भाई, ये ग्लोरियस का मॉडल डी है, देख रहे हो कितना सेक्सी माउस है ये। देन इसने मॉनिटर भी ना लिया है, मॉनिटर लिया इसने एसर का 27 इंच 144Hz भाई। अब तो निकाल लेते भाई, एक तो पता नहीं मेरे चुल हो जाते हैं ऐसे नई नई चीजों में, पन्नियां चुपती रहती है ना, मेरे चुल रहते हैं, निकालूंगा भाई, निकाल लेंगे तेरा से कल से। ये हो गया ये मॉनिटर इसका 144Hz 27 इंच एसर का। देन ये इसका पुराना मॉनिटर था तो ये ड्यूल मॉनिटर सेटअप बना दिया इसने, ये सेकेंडरी रहेगा, प्राइमरी रहेगा, इसमें गेम्स खेलेगा, इसमें चैट पड़ेगा तुम्हारी। एंड ये इसके बारे में तू बता कैमरे के बारे। यार ये GoPro Hero 9 है, आप मैंने स्टोरी डाली थी आपको तो पता ही होगा, मैंने पहले खरीदा है काफी, मतलब कितने महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए इसको लिए हुए, 2 महीने हो गए होंगे, 2-3 महीने। तो ये फिर मेरे को इसने कहा था कि एक वेब कैम भी ले लो, मैंने कहा यार वेब कैम का क्या करूँगा जब GoPro है, तो फिर हमने देखा कि वो GoPro में कैसे चलेगा ये, तो चल गया फिर ये वेब कैम, क्वालिटी भी एक नंबर की आ रही, तो मैंने कहा इसे वेब कैम बनाऊँगा मैं अपना। तो ये GoPro Hero 9 आएगा, अच्छी क्वालिटी आएगी एक नंबर, हमने टेस्ट भी करा था कल तो अच्छा आ रहा था, मतलब अच्छे फेस आ रहा था। तो भाई अब तो मैं दिखा देता हूँ भाई इसके हेडफोन, पहले तो रुको, पहले क्यों निकालते यहाँ से भी और जो बची है ये भी, ये भी निकालो भाई, जो फीलिंग आती है ना
पन्नी निकाल लेगी। ये पन्नी तक निकाली भाई इसने। तो मैंने क्या जो ये आप लग रहा है ना सेक्सी, देख रहे हो भाई हेडफोन देख रहे हो कितना मस्त है वाला। ये भाई कॉर्सेयर का वॉइड प्रो वायरलेस। और भाई ये जितने का हेडफोन है ना, क्या यार मेरी किडनी बिक जाएगा। कितने की है भाई? मेरी किडनी भी इतनी है। कहते ना इतनी सस्ती है भाई। सस्ती? हाँ ये सस्ता है। फिर छोड़ो कोई नहीं, चेक कर लेना भाई तुम अमेजोन पे, चेक कर लेना इसका प्राइस, वॉइड प्रो वायरलेस हेडफोन। और चलो भाई अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज और भाई ये टेबल भी वाले देखो, ये वाइट अलग से बनवाई है, ये कहीं मिल नहीं रही थी, और मिल भी रही थी तो फिर छोटी आ रही थी, तो फिर मैंने ये ऑर्डर पे बड़ी मंगवाई है। ठीक है, इसकी वाली छोटी है, ये वाली थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसी ने थोड़ा बताया था कि तेरा थोड़ा सेटअप बड़ा है। छोटे लोग तो छोटी रखते हैं, बड़े लोग। अबे ऐसे पहले ही सेटअप बड़ा, इसको आइडिया नहीं था वैसे, इसने मेरे को आइडिया दिया है कि तू बड़ी टेबल बनवाई हो। ठीक है, और ये बाकी रिंग लाइट, ये सबसे फुल साइज आएगा, सबसे फुल साइज, जो कि मतलब जो रिंग लाइट का सबसे बड़ा वाला साइज है ना वो है ये रिंग लाइट का। ठीक है, और बाकी अंदर का सामान भरा हुआ है, ये मेरे समझ नहीं आता अंदर का। ये भगवान चीज, ये देख रहा हूँ कैबिनेट गाइस, ये कैबिनेट सर्च मारना है इसको भी। ठीक है, अमेजोन पे एंटेक का टॉर्क। ठीक है, जितना कैसे कैबिनेट कहना होता है कंप्यूटर बन जाते हैं लोगों के। हाँ, तो मैं मतलब बेसिक वाले कंप्यूटर बन, हाँ बेसिक वाले मतलब थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर सकते हो। हाँ, तो भाई ये कैबिनेट चेक करना, सबसे तगड़ी चीज है, देख लो लुक इसका भाई साहब, एक नंबर। और इसमें ये फैंस देख रहे हो गाइस, ये फैंस भी नहीं आते, ये अलग से लगवाए हैं हमने एंटेक के, ये नीचे एंड। चलो आ जाओ अंदर का दिखा दो। इसमें जो प्रोसेसर हमने लगवाया वो है राइजन 5 5600X, एंड इसमें जो मदरबोर्ड यूज हुआ है वो है B550 टॉमहॉक, उसका एजरॉक का ये B550M। और सबसे मेन चीज गाइस ये इसका लिक्विड कूलर आसूस का है गाइस इसमें हमको, लेकिन सच बताओ हमको पता नहीं था इसमें हम अपनी कस्टम फोटो भी लगा सकते हैं। उस दिन हमने इसका सॉफ्टवेयर डाला और हम ऐसी कलर चेंज कर रहे थे इसका, कोई कलर वाला वहां देखा वहाँ फोटो भी डाल सकते हैं, तो हमने भाई ये फोटो लगा दी। और देख रहा भाई कितना सेक्सी लग रहा है, मैंने तो बस इसलिए देखा था क्योंकि इसमें टेम्परेचर बता रहा था। हाँ, इसमें मैंने कहा टेम्परेचर बता रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये लेना चाहिए। बाकी हमें बाद में पता लगा, घर लेके आए जब, कल पता लगा हमें जब कर सेट वेट कर रहे थे कि इसमें फोटो भी लगा सकते हैं। मैं खुश हो गया, अरे वाह फोटो भी लगा दी भाई साहब, मैंने एडिट करके फोटो भी लगा दी इसमें। दर इसमें गाइस हमने लगा रखी है गाइस दो एक एक टीबी की हार्ड डिस्क लगा रखी है, एंड एक 256 GB की SSD लगा रखी है M.2 वाली, वो अंदर की तरफ लगी हुई है, वो दिखेगी नहीं आपको। एंड इसमें हमने गाइस जो रैम लगा रखी है वो है हमारी XPG की 32 MHz की 8 GB की दो स्टिक लगा रखी है, मतलब टोटल 16 GB की रैम है। एंड इसमें जो पावर सप्लाई है वो है 750 W का, आई थिंक ब्रॉन्ज है मेरे हिसाब से, हाँ ब्रॉन्ज ही लगवाई थी। देन और क्या बचा, और सबसे मेन चीज जो है ग्राफिक कार्ड, जिसका प्राइस अभी हो रखा है बहुत ज्यादा हाई भाई, क्या बताऊं, हमने लिया 2070 सुपर, और जिसका प्राइस है ना, अगर तुम जब मैंने बनवाया था अपना पीसी 7-8 महीने पहले तब लेते तो भाई तुम्हें 10,000 कम में मिलता, उसका 10,000 ज्यादा मिला इसमें। और अब जितना हिसाब लगा के गए थे ना वहां पे, मतलब उसका मतलब पूरा हमारा बजट ही लगा दिया था, डबल ही रेट हो रखे थे सब चीज के, डबल रेट चल रखे थे सब चीज के। मैंने इसको पूछा भाई कितना हिसाब किताब है, इसने बता दिया। तो फिर मैंने कहा यार, फिर वहाँ पे जाके पता लगा कि हर चीज के प्राइस बढ़े हुए हैं, हमारा पूरा हिल गया था सब कुछ, सब कुछ भाई पूरा बजट ऊपर नीचे हो गया था हमारा जब सोच के गए थे। हाँ तो गाइस ये हमारा माउस पैड है, ये हमने लिया था अमेजोन बेसिक्स का, ये अमेजोन से ऑर्डर करा था, और इसका साइज एक्सटेंडेड है, सबसे फुल साइज है जो आता है इसका, और बिल्कुल सही है गाइस, ये बिल्कुल ही अच्छा, बिल्कुल खेलने में और मजा आता है इसमें। So guys, ये है इसका सेटअप, ये देखो पूरा सेटअप, कमेंट सेक्शन में बता दे रहा कैसा लगा। ठीक है तो यार ये चीज रिकॉर्ड कंपनी की है, रिकॉर्ड यार मेरे को भी नहीं पता था कोई ऐसी भी कंपनी होगी रिकॉर्ड, तो यार मैंने ना अमेजोन पे देखा था इसको, तो मेरे को ऐसी चाहिए थी वाइट ब्लैक, तो कहीं मिल नहीं रही थी, तो यही कंपनी थी जो वाइट ब्लैक दे रही थी, पर मेरे को थोड़ा डाउट था कि यार मैंने भी पहली बार नाम सुना था इसका कि कैसी है कैसी नहीं होगी। फिर अनुराग ने बताया इसकी साइट भी है, साइट पे चेक कर ले, तो भाई मैंने साइट पे चेक करा, उसको बाय करने करा, तो फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि अगर यार मैं पैसे दे दूँगा कहीं चेयर आए ना, क्योंकि पहली बार नाम सुन रहा हूँ चेयर का, मतलब इस कंपनी का, तो भाई कंपनी का मेरे को फ़ोन आ गया था, तो कंपनी ने बताया कि आप हमारे स्टोर पर भी आ जाओ, हमारे स्टोर भी आएगा, तो हम गए अनुराग और मैं चेक करा पूरा, भाई सही बताओ बहुत कम्फर्टेबल है, लोग इतनी महंगी महंगी चेयर खरीदते हैं 20,000 कितने की,
पर ये भाई बजट के हिसाब से और कंफर्टेबल के हिसाब से बहुत सही चेयर है। अगर लेना चाहो तो ले लेना, बाकी आपकी मर्जी है। भाई मेरे को तो बहुत कंफर्टेबल लगी है, देखो इसका ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। जो आपको चाहिए ना गेमिंग चेयर में वो सब कुछ है इसमें। ये देखो पीछे ऐसा लगेगा गिर जाओगे, पर गिरते नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भाई बहुत कंफर्टेबल चेयर है। और बाकी आपकी मर्जी है, सब कुछ होता है इसमें, सब कुछ जो गेमिंग चेयर में होता है वो सब कुछ है इसमें, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी सेटअप देखो पूरा एक नंबर का है। तो चलो जैसे आपने देख लिया पूरा का पूरा सेटअप मेरा, अब इस पे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, पर इसके बाद अब मैं यार इस पे अभी तो मैं ऐसे नॉर्मली, अगर मेरे को ऐसे ही नाम पसंद आ रहा था तो मैंने डाल दिया, तो बाकी आपको इससे ज़्यादा अच्छा और नाम आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आपको मेरा टूल सेटअप कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं फिर स्ट्रीमिंग में, स्ट्रीमिंग करते हैं और वहीं पे वक्त होती काटेंगे, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर।